कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 4 इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन के हम लोग देखिए प्रीवियस वीडियो में अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग भी कुछ लगभग 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि पेपर में आके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल को मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अपघटक जीवों को उदाहरण, अपघटक मतलब डिकम्पोजर्स को उदाहरण है, शैवाल यानी अल्गी, प्लांकटन हो गया, कवक हो गया यानी फंगस हो गया, या मेढक हो गया। आप खुद बताइए कोई भी चीज़ को सड़ाने गलाने में डिकम्पोजर्स काम आता है यानी कि अपघटक जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो शैवाल क्या कभी करता है भाई, अल्गी नहीं होता है कभी भी। जो फंगस होता है आपने देखा सड़े गले चीजों में उगता है बेसिकली हमारे पास, तो ये कवक ही क्या हो जाए, एक अपघटक का रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर कवक होगा इसका राइट आंसर। अगला जो सवाल है उसमें पूछा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है वो किस श्रेणी में आता है। तो देखिए बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया यानी फंगस जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब के सब डिकम्पोजर्स होते हैं यानी अपघटक के ये श्रेणी में आते हैं, मतलब सीरीज में आएंगे हमारे पास। फिर अगला सवाल बोला है कि जैव भार में कौन सम्मिलित होता है, जो भी हमारे सारे के सारे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर हो गए, उपभोक्ता कंज्यूमर हो गए या डिकम्पोजर, ये सब के सब जैव भार में यानी बायोमास में हमारे पास क्या होते हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो समस्त जीव यानी सारे के सारे ऑप्शन नंबर सही है हमारे पास। फिर बोला जाए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है जो हमारे पास इकोलॉजी में हमारे बेसिकली सबसे ज्यादा जो हमारे एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स या मोस्ट प्रॉब्ली सोर्स हमारे पास वो क्या होता है, वो सन होता है, सन से बेसिकली एनर्जी मिलता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर अगला सवाल बोला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो क्या होता है हमारे पास। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो होता है वो रूपांतरण होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे हमें सन से सनलाइट मिलता है लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, तो एनर्जी के पास क्या होता है रूपांतरण यानी ट्रांसफर होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, मतलब ऊर्जा का जो लॉस होता है। देखिए आपको एक नियम पढ़ना है जिसको बोला जाता है 10% एनर्जी फ्लो अप नियम। ठीक है, एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो 10% होता है, और जब एनर्जी ट्रांसफर होता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो ये ट्रांसफर होने से बेसिकली हमारे पास लॉस होता है, तो रूपांतरण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को किसमें बदल देते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे से हमें सनलाइट मिलता है, सनलाइट को पेड़ पौधे क्या करते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया कि पादप में जो शाकाहारी जीवों में, देखिए मैंने आपको बताया था ना कितना परसेंट बस याद रखिएगा एनर्जी फ्लो होता है, तो सिर्फ 10% एनर्जी क्या होता है बेसिकली बच्चों फ्लो होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब यूनि डायरेक्शन जिसे कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाए तो एक दिशात्मक कहा जाएगा इसे। ठीक है, तो पादपों से जो भी शाकाहारी जीवों में जो ऊर्जा पहुंचती है वो केवल 10% ही क्या होता है पहुंच पाता है, उसके अलावा नहीं पहुंचता है। फिर अगला है देखिए हमारे पास, देखिए यही सवाल फिर पूछा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदैव कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये एक दिशात्मक होता है यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, हमारे पास एक ही दिशा को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो है वो सदैव किस स्तर को, देखिए ये हमेशा क्या होता है क्या जो हमारे पास लेवल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास उच्च स्तर से हाई लेवल से क्या होता है निम्न स्तर को क्या करता है, ये प्रवाहित होता है यानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक ये क्या करता है फ्लो करता है एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव होता है वो कैसा होता है, तो भाई साइक्लिक रूप में क्या होता है सारे के सारे चीजों का क्या होता है फ्लो होता है, तो चक्रीय क्या हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, देखिए आपने क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ा होगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और एक होता है हमारे गैर परंपरागत ट्रेडिशनल, और एक हमारे पास अनट्रेडिशनल यही कह सकते हैं हमारे पास। तो जो सनलाइट होता है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा होती है, आप कुछ सोचिए पेट्रोलियम कोयला ये हमारे परंपरागत होते हैं, नाभिकीय हो गया, लेकिन जो सौर विकिरण ऊर्जा होते हैं हमारे पास ये क्या होता है गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण होते हैं। फिर अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, जो अवसादी चक्र है क्या उसमें जल का प्रवाह होगा खनिज का होगा या वायु का होगा या ऊर्जा का, तो इसमें किसका प्रवाह होता है बच्चों हमारे पास खनिजों का। फिर खाद्य श्रृंखला यानी कि जो फूड चेन है, फूड चेन की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बच्चों हमारे पास पोषण स्तर। ठीक है, जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो हमें क्या बताता है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है न्यूट्रिशन लेवल को बताता है। फिर अगला सवाल है हरे पादप जो होते हैं वो भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं, तो हरे पादप जो होते हैं भाई वो कंज्यूमर है सॉरी प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका प्रारंभ राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है
जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित जो पोषण क्रम को क्या कहा जाता है, तो ये हमारे पास क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहलाता है। कि एक जानवर से दूसरे जानवर क्या होता है भाई, खाना का बेसिकली एक दूसरे जानवर मार के खाते हैं, ये फूड चेन के अंतर्गत आता है, हमारे पास आता है। फिर अगला आता है हमारे पास जीवों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये किसके द्वारा होता है, यानी जो ऊर्जा का बेसिकली ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होगा, ये फूड चेन के थ्रू ही होता है, यानी खाद्य श्रृंखला के थ्रू ही होगा हमारे पास। अब बहुत सारे जब फूड चेन बेसिकली एक जगह पे क्या होता है, जैसे एक जानवर दूसरे डिपेंडेंट है, एक जानवर दूसरे डिपेंडेंट है, ऐसा बहुत सारे जब हमारे पास क्या मिलते हैं, फूड चेन मिलते हैं, तो फूड वेब यानी कि खाद्य जाल का क्या कर लेते हैं बच्चों, ये निर्माण करते हैं। तो फूड वेब यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 49 नंबर पूछा हमसे कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर हमारे पास कौन होते हैं, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है हमारे पास, जो सबसे लास्ट है वो होता है अपघटक यानी डिकम्पोजर्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट को साफ करने के काम आते हैं हमारे पास। फिर जो खाद्य श्रृंखला है उसकी सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, वो होती है सर्वोच्च उपभोक्ता, यानी जो सबसे ज्यादा हमारे पास जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर क्या होती है, वो कड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सवाल नोट डाउन करिएगा, ओरोन किसे कहते हैं या ओरोन किसे कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है। ये पवित्र जो हमारे पास वन होते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं जो ऐसे वन जहां पर प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, उन्हें हम ओरोन के नाम से बेसिकली जानते जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी मतलब वो मिट्टी जिसमें क्या है बेसिसिटी है, मतलब जो मिट्टी अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री के पर्पस में, जिसमें हमारे पास OH- माइनस आयन होते हैं, या फिर जो स्वाद में अगर बोला कड़वा होता है, उसमें जो उगने वाले पौधे होते हैं क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है, या देखिए उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया कि विश्व जैव विविधता संरक्षण में कौन संबंधित होता है हमारे पास, यानी कि जैव विविधता मतलब हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वर्ल्ड कौन संबंधित है, कौन सा प्रोटोकॉल है, तो टोक्यो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, सिंगापुर प्रोटोकॉल या फिर नगोया प्रोटोकॉल। तो इनमें से देखिए विश्व जैव विविधता संरक्षण कौन संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का देखिए लक्ष्य रखा, यानी जैव विविधता मतलब जो बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन करना है, तो इसके लिए कितना परसेंट जो जमीन हमारे पास वो एक टारगेटेड एम रखना है कि हमें सेव करना है, तो लगभग पूरे विश्व का 17% जमीन हमें मान के चलना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। फिर अगला बोला है कि भारत की देखिए संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित होता है, संकटग्रस्त मतलब इंडिजिनेट जिसे कहा जाता है कि भाई वो खतरे की निशानी पे हमारे पास, क्या आम है, शीशम है, सागौन का पेड़ है या फिर चंदन का वृक्ष है, तो चंदन के जो वृक्ष है बेसिकली वो संकटग्रस्त पादप जो पेड़ पौधे उनकी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर पश्चिमी घाट के जो सघन सदाबहार वनों को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न जो हमारे पास घाट्स हैं उनके जो सघन सदाबहार वन होते हैं हमारे पास उनको किस नाम से जाना जाता है, तो सोला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर भारत में वनस्पति एवं जंतुओं को सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा विविधता कहाँ देखा जाता है, तो भाई जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा है, जहाँ पर वाटर का जो सोर्स हमारे बहुत अच्छा है, जो कि हमारे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, जहां पर हमें वस्तु एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता दिखी जाती है वो कौन सी जगह है हमारे पास, पश्चिमी घाट होती है, ऑप्शन नंबर डी। फिर जल प्रदूषण जो होता है अब किससे संबंधित होता है बताइए, क्या लवणों की वृद्धि द्वारा यानी सॉल्ट्स का अगर मात्रा बढ़ा देते हैं यानी जो परसेंटेज बढ़ा देते हैं क्या उससे होगा, या औद्योगिक निशान इंडस्ट्रियल के जो एवलेंट्स निकलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज के द्वारा, तो ऑब्वियसली बात है भाई जो वाटर पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्री से वेस्टमेंट निकलते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं और जिससे हमारा जो नदी होता है नदी में जो जल होता है वो प्रदूषित होता है, इसलिए औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा यानी कहा जाए इंडस्ट्रियल वेस्टेज द्वारा। फिर अगला है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क, तो भाई कुछ पार्क के नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में, ठीक है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर अगला है विश्व जो हमारे पास है जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है, यानी देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे उत्तरदायी कारण कौन सा हमारे पास बताना है, क्या ग्रीन हाउस एमिशन का वृद्धि है, वर्षा की कमी है, परमाणु हथियार है या फिर जनसंख्या में वृद्धि है, आप खुद बताइए जो विश्व जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है हमारे पास, तो भाई ग्रीन हाउस का इमिशन जो होता है ग्रीन हाउस गैसों को लगाता है जो वृद्धि हो रहा है जिसमें CFC हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब के सब गैस क्या करते हैं हमारे जलवायु में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिस वजह से हमारे क्लाइमेट में असर देखने को मिलता है। तो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए हमारे पास सबसे उत्तरदायी कौन है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है,
यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पैसे प्रदूषण वाला गैस होता है वो कौन सा होता है आपको मालूम है? एक सल्फर डाइऑक्साइड है भाई, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या नाइट्रस ऑक्साइड है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायुमंडल प्रदूषक गैस में सबसे कौन है? वो सल्फर डाइऑक्साइड। आपको एग्जाम में देखिए फॉर्मूला दे दिया तो ऐसे सोच लीजिएगा SO2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास। फिर ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जो योगदान है वो कौन से ग्रीन हाउस गैस का हमारे पास है? तो भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या होता है हमारे पास, एक गर्म गैस होती है, जिससे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशन भी बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है हमारे पास। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान अभी वर्तमान में किसका है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या है? तो देखिए जब भी कोई चीज सही से नहीं जलता तो उसमें से याद रखिएगा CO2 एमिशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जो हम लोग जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हैं यानी जो जीव सड़े गले पेड़ पौधे जीव में होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल कोयला, ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं, और इनको जलाने से क्या होता है? CO2 का एमिशन बहुत ज्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या हमारे पास है? वो जीवाश्म ईंधन को माना जाता है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अल्पजीवी जीव क्या है हमारे पास, यानी सबसे अल्पजीवी मतलब इसका ड्यूरेशन कम है या बोला जाए हमारे पास, क्या CFC का है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, या नाइट्रस ऑक्साइड का? तो सबसे अल्पजीवी हमारे पास क्या है? वो है मीथेन का, CH4, ऑप्शन नंबर सी। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा लंबा दिन तक कौन जीवित रहता है, यानी जीवन काल रहता है हमारे पास, तो वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक जो है उत्सर्जन वो किस उद्योग से होता है, यानी जो नाइट्रस निकलता है बेसिकली वो कौन से, जैसे हम लोग क्या जलाते हैं या किसके कारण हमारे पास सबसे ज्यादा उसका उत्सर्जन होता है? तो होता है नायलोन के कारण। जब नायलोन फैक्ट्री में बनता है तो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन होता है हमारे पास। फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या होता है हमारे पास? मरुस्थली मिट्टी है, शीत कटिबंधीय मिट्टियां है, या शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियां, या फिर उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां है। तो इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हमारे पास क्या है? उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां होती है। फिर मात्र रासायनिक क्रिया से इसका निर्माण होता है, कौन सी चीज का हमारे पास? क्या CFS का, यानी CFC होगा बेसिकली हमारे पास, तो CFC का क्या होता है हमारे पास निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर पी। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण क्या है हमारे पास? तो भाई AC हमारे पास, पहले देखिए रेफ्रिजरेंट भी इसमें आते थे लेकिन फिर रेफ्रिजरेंट्स को देखिए इसके मॉडिफाई किया गया, अब उसमें से CFC गैस नहीं आता है, लेकिन जो AC होता है AC से बेसिकली हमारे पास CFC गैस का एमिशन होता है, और ये ओजोन के लिए भाई बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे पास। इसलिए जो भी जिनके लोगों के घरों में, आप मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आप इस्तेमाल मत करिए, आपके घर में आपने खरीदा इस्तेमाल करिए, लेकिन जितना हो सकता है कम से कम मिनिमम यूज़ करने की कोशिश करिए। एक ऐसे अपने रूम में लगा जिसमें सब जन रहते हैं, इससे क्या होगा एक ही रूम में आप लोग सब रह सकते हैं, आप लोग सब मिलजुल के रहिएगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, इन्वायरमेंट में हमारा सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी AC क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला गया कि पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की जो उत्तर जीविता यानी जो सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल के लिए देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है भाई? तो हम लोग जो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, प्लस लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये जो हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इससे देखिए हमारा जो अर्थ है सब कुछ उससे जुड़े हुए, पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा रूप में काम कर रहा है, वनों का नष्ट होना, डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। फिर कोपेनहेगन, देखिए राजधानी कौन से देश की? डेनमार्क राज्य, जो डेनमार्क से राज्य बोल रहा हूँ, डेनमार्क एक कंट्री है जिनकी राजधानी का नाम हमारे पास क्या है? कोपेनहेगन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। फिर सूखा यानी ड्रॉट को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? देखिए जहाँ भी वन रहते हैं आपको मालूम होगा भाई वहाँ बारिश होती है, और जहाँ बारिश होगा ऑब्वियसली बात है भाई कहाँ भी क्या बोलते हैं वहाँ कभी भी सूखा तो नहीं पड़ सकता। इसलिए सूखा को अगर आपको रोकना है तो ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाना पड़ेगा, जिससे उस जगह हम सूखा देखिए आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है? एक खास श्रृंखला दिया हुआ है। जीवों में खास श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? जीवों बताइए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। तो पहले घास है, घास को कौन खाता है भाई? कीट खाता है, कीट को पक्षी खाता है, और पक्षी को क्या खा जाता है भाई? सांप खा जाता है। तो एक हमारे पास क्या बनी है? खास श्रृंखला फूड चेन बन गया, जो हमें यह बताया। क्या घास को भेड़िया खाएगा? कुछ सोचिए ना। क्या जीवाणु घास को क्या खरगोश खा सकता है? घास को चलिए कीट खाएगा, लेकिन कीट को क्या हिरन खाता है? कभी नहीं खाता है। इसलिए इनमें से परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, घास को कीट खाएगा, कीट को पक्षी, पक्षी को कौन खा जाएगा? सर्प खा जाएगा। फिर कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिक है? देखिए आपने कुछ बैक्टीरिया के नाम में पढ़े होंगे जो कि प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं बेसिकली, जैसे आपने राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर। तो इनमें से कौन सा हमारे पास मृदा में रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन क्या है यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? वो है एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। फिर हमारे पास क्या है? एस्ट्रो एसिड क्या है? तो एसिड एक बेसिकली क्या हमारे पास? एस्ट्रोइड, जिस क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ है, किसी भी तालाब परितंत्र में
कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर पाए जाते हैं, मतलब एक से अधिक लेवल पाए जाएंगे। तो बच्चों ये होते हैं हमारे में मछलियां होती है, वो एक से अधिक पोषण स्तर यानी कि जो न्यूट्रिशन लेवल होते हैं उनमें पाई जाती है। फिर भारत में देखिए भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं, तो 23.54% भागों में क्या लगे हुए, वन लगे हुए हमारे पास। फिर विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है, तो अपने मानता है बच्चों स्वीडन मानता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर जीएसएलबी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या कहलाता है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या कहलाता है हमारे पास, जीएसएलवी, जो बेसिकली रॉकेट इस्तेमाल करते हैं जीएसएलवी, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में कर लिए, लगभग हमने आपसे बच्चों को 50 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, गिन लीजिएगा ठीक है कितने क्वेश्चन हुए। ये सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पेपर में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कमी मत करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।